वेलकम टू बैक बेंचर्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स की। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले आरडीएनए की और वो स्टेप्स जिनसे हम आरडीएनए को बना सकते हैं। हमने सेकेंड लेक्चर में ये बात करी थी कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं टू कट द डीएनए फ्रैगमेंट। वेराज इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की, जो व्हीकल्स जो हमारे डीएनए इंसर्ट या फिर फॉरेन डीएनए को उस होस्ट सेल में डालने का काम करते हैं। उन क्लोनिंग वेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हम बात करें क्लोनिंग वेक्टर की तो विदाउट क्लोनिंग वेक्टर आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम विदाउट क्लोनिंग वेक्टर नहीं कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है हमारे इस टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर हमें वो एक स्पेसिफिक अगर वो हम देख सकते हैं एक स्पेसिफिक व्हीकल की तरह काम करते हैं। मीन्स वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस डीएनए इंसर्ट को हमारे होस्ट सेल के अंदर। दैन जब भी वो होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा तब हमें वहाँ से हमारा मास प्रोडक्शन मिल जाएगा हमारे प्रोटीन का, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर। तो हम अगर बात करें कि क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, तो अगर हम देखें द मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डीएनए हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द क्लोनिंग ऑफ डीएनए। मीन्स हम किसी भी डीएनए का मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। मीन्स क्लोनिंग ऑफ डीएनए कर दें, जैसे हमें मेरे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, हम उसे क्लोन कर देते हैं। उसे क्लोन करने के बाद हम उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर सकते हैं। द टू मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग आर द डीएनए टू बी क्लोन एंड द क्लोनिंग वेक्टर्स। अब उस डीएनए मतलब एक सेट ऑफ डीएनए को क्लोन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहले जो डीएनए हम क्लोन करना चाहते हैं और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का क्लोन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस डीएनए की क्लोनिंग किसके द्वारा की जा सकती है? दो चीज़ों के द्वारा। पहले वो जो डीएनए हमें चाहिए जिसका हमें यूज़ करना है फॉर द मास प्रोडक्शन, और दूसरा हमारे व्हीकल्स या क्लोनिंग वेक्टर का। द क्लोनिंग वेक्टर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डायग्राम से देखा था। उसमें हमें एक प्लाज्मिड यूज़ किया था। तो प्लाज्मिड इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसका लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, एक छोटा सा पीस है डीएनए का। इट इज़ ऑल्सो अ डीएनए जो हम किससे ले सकते हैं? हम ले सकते हैं वायरस से, हम ले सकते हैं किसी भी माइक्रोब से। अ प्लाज्मिड और द सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, हम उसको कोई हायर ऑर्गेनिज्म से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वायरस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दे कैन बी स्टेबली मेंटेन इन एन ऑर्गेनिज्म एंड इनटू व्हिच एन फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर द क्लोनिंग पर्पस। मैंने क्या बोला था कि क्लोनिंग वेक्टर्स हम हमारा डीएनए इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डालेंगे। इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे? उसको हमारे होस्ट के अंदर डालेंगे, वो होस्ट जो उसको आगे जाकर मल्टीप्लाई करेगा और मास प्रोडक्शन देगा। मोस्ट वेक्टर्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। हम क्लोनिंग वेक्टर्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड कहते हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला इंजीनियर आया है हमारे बायो के अंदर, वो यही आया है, जो कि जिसका नाम क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द क्लोनिंग वेक्टर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द शेप एंड टाइप ऑफ डीएनए टू बी क्लोन। हम डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए हम एक ही टाइप का क्लोनिंग वेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, एप्रोप्रिएट ही नहीं होगा। तो हमें डिफरेंट शेप, साइज़ और टाइप ऑफ डीएनए के बेसिस पे हमें क्लोनिंग वेक्टर का चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है द वेक्टर therefore contain features that allow for the convenient insertion or removal of DNA fragment in or out of the vector. For example, we're treating the vector and the foreign DNA with the restriction enzyme and then ligating the fragments together. Means इस पूरी लाइन का यही मतलब है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमारा कोई भी DNA फ्रेगमेंट है, ठीक है, एक हमारा DNA इंसर्ट है, मतलब अगर हम एक फॉरेन DNA का एग्जाम्पल लेते हैं, और एक लेते हैं हमारा प्लाज्मिड जो कि हमने बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्लोनिंग वेक्टर हम किसी भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को नहीं यूज़ ले सकते। क्लोनिंग वेक्टर्स में कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर में एक पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए। हमें उस फीचर्स को हमारे डीएनए इंसर्ट के साथ मिक्स करना है। मिक्स हम कैसे कर रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लेते हैं, तो हम दोनों हमारे फॉरेन डीएनए को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, फिर एज हम क्लोनिंग वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। जब ये दोनों एंजाइम्स कट कर देते हैं दोनों डीएनए को, देन हम उसे लाइगेट करते हैं विथ डीएनए लाइगेज एंजाइम। जब वो दोनों लाइगेट हो जाते हैं, देन इस क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या है, ये क्लोनिंग वेक्टर फिर क्या कहलाने लग जाता है, आर डीएनए प्लाज्मिड या आर डीएनए मॉलिक्यूल कहलाने लग जाता है। ये जो आर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, देन इसको हम क्या करेंगे, हमारे होस्ट के अंदर डाल देंगे और वहाँ पे जाकर फिर ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और प्रोडक्शन करेगा। After the DNA fragment has been cloned in the cloning vector, it may be further subcloned in another vector designed for more specific use. अगर हम देख रहे हैं कि एक होस्ट के अंदर जाके वो इतना ज़्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, मीन्स हमें उसको सब क्लोन करना पड़ेगा। मीन्स उस क्लोनिंग वेक्टर को हमें फिर से काट के फिर से एक क्लोनिंग वेक्टर लेकर उसके अंदर मर्ज करना होगा और फिर से उसको उस होस्ट के अंदर नेक्स्ट होस्ट के अंदर डालना होगा। मतलब क्लोनिंग वेक्टर का ऑल एंड ओवर थ्योरी सिर्फ इतनी सी है कि हम क्लोनिंग वेक्टर से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मीन्स इट्स एक्ट लाइक अ व्हीकल, ट्रांसपोर्ट की तरह काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट या किसी सामान को ले जाने का काम करेगा। नेक्स्ट है कि वाई क्लोनिंग वेक्टर, हम सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोनिंग वेक्टर इज़ यूज एज अ व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल्स। मींस कोई भी जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे सेल के अंदर ले जाना, उसके बाद ले जाना ही नहीं, वहाँ जाके रेप्लिकेट करना और उसे एक्सप्रेस करना, ये है हमारे क्लोनिंग वेक्टर का काम। पहला काम क्या है कि उस जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में ले जाना ही काम नहीं है, वहाँ जाकर उसको रेप्लिकेट करना है, आरएनए बनाना है, डीएनए बनाना है, देन वहाँ जाकर जीन्स को एक्सप्रेस भी करना है। मीन्स ये सारा काम किसका है, क्लोनिंग वेक्टर का। इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई करना मतलब बहुत सारी कॉपीज़ बना देना। एम्पलीफाई अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू मैनी कॉपीज़। मीन्स हम जो एक डीएनए इंसर्ट उस सेल के अंदर डालेंगे, उससे उसमें बहुत सारी कॉपीज़ बन जानी चाहिए। उस सेल के अंदर, उस होस्ट सेल के अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जानी चाहिए, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करेंगे उस कॉपी के साथ। The cloning factor are DNA molecule that is used to transport clone sequence between biological host and the test tubes. Means मैंने आपको क्या बोला था, हम जो restriction enzyme से कट किए हुए fragments हैं उसको ligate करके हमारे host के अंदर डाल रहे हैं। ये सारा जो काम कर रहे हैं हम किसके द्वारा कर रहे हैं, हम cloning vector के द्वारा कर रहे हैं। तो ये as a transport system काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है अब आपके लिए, विदाउट क्लोनिंग वेक्टर मॉलिक्यूल जीन क्लोनिंग इज टोटली इम्पॉसिबल। अगर हमारे पास कोई व्हीकल नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो हम जीन को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा और एक्सप्रेस नहीं करेगा। एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हमें हमारा मास प्रोडक्शन और जो भी रिजल्टेंट है वो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फीचर्स की हम बात कर रहे थे कि क्लोनिंग वेक्टर को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिख रही है द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट होनी चाहिए। इस डायग्राम के अंदर आपको ये रेड कलर से मार्क दिख रहा है, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इट मेक्स ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इन वेक्टर। ओरी इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि एक ओरी साइट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और हमने जाना है कि क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, जाकर वहाँ रेप्लिकेट करते हैं। अगर उनके पास ओरी साइट ही नहीं होगी तो रेप्लिकेट कैसे करेंगे। व्हेन फॉरेन डीएनए इज लिंक्ड टू द सीक्वेंस अलॉन्ग विद द वेक्टर रेप्लिकेशन, फॉरेन डिजायरेबल जीन ऑल्सो स्टार्ट रेप्लिकेटिंग विद इन होस्ट सेल। अगर हमने यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया है तो वो जाकर होस्ट सेल के अंदर उस फॉरेन डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट करेगा, मीन्स ओरी साइट के साथ जाकर ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फीचर है वो है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या है? क्लोनिंग साइट आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर डीएनए को डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने का मतलब उसे क्लीव करना है। तो क्लीव करने के लिए हमने एक आरई एंजाइम्स का यूज़ किया था। आरई एंजाइम्स मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो अगर हमारे इस क्लोनिंग वेक्टर के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट ही नहीं है, क्लोनिंग साइट मीन्स क्लीवेज साइट, अगर वो क्लीवेज साइट ही नहीं है तो ये कैसे क्लीव होगा? क्लीव नहीं होगा तो हम हमारा डीएनए इंसर्ट इसके अंदर कैसे लगा पाएंगे? तो पढ़ लेते हैं। द क्लोनिंग साइट इज अ प्लेस वेयर द वेक्टर डीएनए कैन बी डाइजेस्टेड एंड डिराइव्ड डीएनए कैन बी इंसर्टेड बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मीन्स हमने जो डीएनए इंसर्ट काटा है वो भी यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, और जो हम क्लोनिंग वेक्टर को कट करने वाले हैं वो भी यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑन एनालिसिस फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क। इट्स अ पॉइंट ऑफ एंट्री, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम सारा जेनेटिक वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट की रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं। अगर ये रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर काम कर सकता है या इसको क्लीव कर सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं उनमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं। रीसेंट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स कंटेन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स विच हैव अप टू 20 रेस्ट्रिक्शन साइट्स। एक साइट से लेकर 20 रेस्ट्रिक्शन साइट्स तक कितनी भी साइट्स इस क्लोनिंग साइट के ऊपर प्रेजेंट हो सकती हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर का जो दूसरा फीचर था जो कि था क्लोनिंग साइट, और हमारा फर्स्ट था ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज कम्प्लीटेड। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? अगर हमने लेट्स सपोज हमने जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था स्टेप्स इन्वॉल्व। तो स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ तक हमने क्या कर रखा है, हमारा लाइगेज हो चुका है, हमारा पूरा प्लाज्मिड लाइगेज है। अब हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है वो है सेलेक्टेबल मार्कर की। अगर क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर ये मार्कर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारा होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। Selectable marker is a gene that confirms resistance to particular antibiotics or selective reagent that could normally kill the host cell or prevents its growth. Let's suppose हमारा ये प्लाज्मिड है, इसके ऊपर ये selectable marker present है, जैसे हमने मान लिया antibiotic resistant gene इसके ऊपर present है। अगर हमने कोई ऐसा cloning vector बनाया है जिसके ऊपर ये gene present है, देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मतलब क्या है कि ये ऐसे मीडिया पे ग्रो हो सकते हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है। जैसे हमने पेनिसिलिन ले लिया, पेनिसिलिन उस मीडिया के अंदर प्रेजेंट है बट स्टिल ये ग्रो कर सकते हैं, मींस इनके अंदर ये रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर या कौन सा क्लोनिंग वेक्टर कंटेनिंग होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। मींस इनके पास एक ऐसे एंटीबायोटिक और सेलेक्टिव रिएजेंट्स होते हैं जो ये बता सकते हैं कि ये उस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। अ क्लोनिंग वेक्टर कंटेन्स सेलेक्टेबल मार्कर्स व्हिच कंफर्म्स ऑन द होस्ट सेल एन एबिलिटी टू सर्वाइव एंड पॉलिफरेट इन द सेलेक्टिव ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बोला एक हमारे पास कल्चर मीडिया है जिसके अंदर पेनिसिलिन है। अगर इस क्लोनिंग वेक्टर के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा तो वो उसके अंदर ज़रूर ग्रो कर पाएगा। अगर ये जीन नहीं प्रेजेंट होगा मतलब ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है और ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इन स्क्रीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। जो हमारा लास्ट है वो है रिपोर्टर जीन और मार्कर जीन। रिपोर्टर जीन आई यूज इन cloning vectors to facilitate the screening of successful clones by using features of their genes that allow successful clone to be easily identified. marker gene जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि कुछ ब्लू कॉलोनीज हैं और कुछ वाइट कॉलोनीज हैं। ये यहाँ पे कलर डिफरेंस दिख रहा है। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ से हम एक मार्कर जीन जो इसी में प्रेजेंट है, मार्कर जीन की वजह से हम ये जान पाएंगे कि ब्लू वाली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वेयर जो वाइट है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। मतलब हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है वो ब्लू के पास है, वेयर जो नहीं हुई है ट्रांसफॉर्म वो वाइट वाली है। तो इन मार्कर जीन से भी हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी जीन ट्रांसफ़र हुई है या कौन सा होस्ट ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेजर टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स। क्लोनिंग वैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्लोनिंग वैक्टर है प्लाज्मिड, फेज, कॉस्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये पर्टिकुलर सब क्लोनिंग वैक्टर्स हैं, पर इनमें थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है। हमने ये जाना है कि क्लोनिंग वैक्टर होने के लिए पर्टिकुलर इन सभी को वो जनरल फीचर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी में वो जनरल फीचर है, बट उसके अलावा भी इनके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे हम सबसे पहले प्लाज्मिड की बात करते हैं। इट्स अ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये हाई कॉपी नंबर सीक्रेट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है PUC 19 जो 500 to 700 कॉपीज़ पर सेल करते हैं। इनके पास नई स्पेसिफिक क्या चीज़ है? इनके पास स्पेसिफिक चीज़ है कि एक सर्कुलर डीएनए तो है ही है, बट जब भी ये किसी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर जाएंगे तो ये हाई कॉपी नंबर्स क्रिएट करेंगे। मीन्स ये बहुत ज़्यादा वैल्यू के अंदर रिप्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इसने PUC का दिया है। तो PUC क्या है? PUC भी एक प्लाज्मिड है जो 500 to 700 पर सेल, मीन्स लेट सपोज एक बैक्टीरिया 500 सेल्स प्रोड्यूस करता है तो पर्टिकुलर एक सेल के अंदर हमें 500 to 700 प्लाज्मिड सेल्स मिल सकते हैं। तो ये इसका पूरा इम्पोर्टेंस है। वेयरएज हम फेज की तरफ जाएं तो हमें पता है कि फेज इज़ अ बैक्टीरियो फेज लैम्डा। तो जो लीनियर DNA मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं किसी भी लाइफ साइकिल को, डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी बैक्टीरिया। मीन्स ये ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। कैन बी रिप्लेस विद फॉरेन DNA विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स लाइफ साइकिल। वेयरएज अगर हम इसके DNA को हमारे DNA इंसर्ट के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बैक्टीरिया के अंदर उसकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करे हुए, मतलब उसको बिना हार्म पहुंचाए हुए भी हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए बैक्टीरियोफेज का मेन रोल क्या है कि ये क्या करते हैं? ये एक वायरस हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? इनके DNA को यूज़ किया, इनके DNA को यूज़ करके एक रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जिसमें हमने इनका वेक्टर यूज़ किया, मतलब इनका DNA यूज़ किया एज अ क्लोनिंग वेक्टर। अब जो भी हमने यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया है ये इस लैम्डा फेज के अंदर जाकर जब भी किसी होस्ट के अंदर हम डालेंगे तो ये क्या करेंगे? उसको उसकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब किए बिना ही उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। हमें यहाँ पे काम क्या है सारा? हमें यहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म कराना है सेल को। ट्रांसफॉर्म कब होगा? जब वो DNA या वो क्लोनिंग वैक्टर उस होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा। तो ये बहुत इजीली रेप्लिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मिड। कॉस्मिड इज़ अनदर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मॉलिक्यूल दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड। इन दोनों को मिला दें, इन दोनों की जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं इनको मिला दे तो हमारे पास कॉस्मिड बनता है। एक फैगमिड भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं? फेज और प्लाज्मिड फैगमिड। अब आपको ये दो दिख रहे हैं BAC और YAC, बैक और यैक। हम देख सकते हैं कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमें बैक्टीरिया से मिलेंगे जहाँ पर F प्लाज्मिड यूज़ किया जाएगा। हमने कॉन्जुगेशन के अंदर इसका पूरा प्रोसीजर देखा हुआ है, हम आने वाले वीडियोस में इसको ब्रीफली समझाएंगे। बट इट्स अ बेसिक आइडिया कि हम इसको F प्लाज्मिड से की तरह यूज़ कर सकते हैं। देन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दैट कंटेन telomeres with origin of replication, a yeast centromere and a selectable marker for identification in yeast cells. means yeast artificial chromosome है तो it's ऑब्वियस कि हमने इसको यीस्ट से ही एक्सट्रैक्ट किया है और इसमें उस सारी फीचर्स प्रेजेंट है जो कि हमें क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारे जो हैं हमारे बेसिक क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, बट हाँ इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम एक एक करके इन सब को डिस्क्राइब करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।